हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जब किसान शेयर करने जा रही हूँ पालक की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी पालक की सब्जी बनकर तैयार है। ये आलू मटर पालक और बैंगन की मिक्स सब्जी है, जो आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। ये चलिए देखते हैं झटपट इसे कैसे बनाना है, इसके लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है पालक, और मैंने पालक को अच्छी तरह धो के कट किया, उसमें सोआ भी है। बैंगन और आलू लिए मैंने, 3 बैंगन और 2 आलू लिए मैंने बड़े। यहाँ पे मैंने कुछ हरे मटर ले लिया है, एक टमाटर जिसे मैंने मोटे मोटे टुकड़े में कट कर लिया है, एक प्याज जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा और राई लिया है मैंने थोड़ा सा, और हींग लिया है मैंने यहाँ पे, नमक, और मैंने यहाँ पे ले लिया है तेल। सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म करके उसमें डाल देंगे तेल, और मसाले हमें सिर्फ आधे आधे चम्मच चाहिए, हम ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करेंगे इसमें। इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच, मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, जीरा में मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच राई का डाला है, और इसमें हम डाल देंगे हींग। हींग डाल देंगे हम, और हींग और जीरा जब पक जाए तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च। अदरक और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है, और मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है, और एक प्याज लिया मैंने जिसे फाइनली चॉप किया है, इसे थोड़े थोड़े बड़े टुकड़ों में भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाल दिया हरे मटर और बैंगन। सबसे पहले हम हरे मटर और बैंगन को इसलिए डालेंगे क्योंकि इसे पकने में टाइम लगता है, और इसे हम पहले पका लेंगे। चलिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, इसे ढक करके हम 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ही पकने देंगे, वरना तेज आंच पे ये जल जाएंगे और पकेंगे नहीं। देखिए, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे ढक के पका लिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसमें डालेंगे आलू। मैंने यहाँ पे 2 बड़े आलू लिए थे जिसे मैंने कट कर लिया है, और इसे भी मिक्स करके हम ढककर पकने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक, ताकि हमारे आलू जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा, देखिए हमारे आलू थोड़े हल्के सॉफ्ट हो गए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। ग्रीन सब्जी में कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता है, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ हल्की हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच यूज़ की है, और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये भी हम समझिए हमने ये 1-1 पिंच या 2-2 पिंच ही डाला है, सिर्फ टेस्ट के लिए, ज़्यादा यूज़ नहीं किया हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और मसालों को अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे टमाटो। टमाटर को हमने कट कर लिया था, इसे भी हम डाल देंगे इसमें, और इसे पकने देंगे, ढक के इसे पकने देते हैं 2 से 3 मिनट तक। ये सब्जी बनाने में वक्त लगता है, कम से कम आपको आधा घंटे का वक्त लग सकता है। और देखिए, 2-3 मिनट बाद हमारी टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, मिक्स कर दिया हमने इसे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक। पालक को अच्छे से डालकर ढक देंगे जब तक हमारे पालक गल ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए, नहीं तो ये चलाने नहीं होगा, क्योंकि पालक मैंने 2 गुंडी लिया था, और 1 गुंडी सोवा का भी मैंने इसमें ऐड किया था। देखिए, ये अच्छी तरह से पानी इसने पालक ने छोड़ दिया है। पालक में सोवा डालने से पालक की सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पालक की सब्जी आप जब भी बनाएं तो सोवा ज़रूर ऐड करें उसमें। देखिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार है, इसे गल चुकी है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसका पानी सूखने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए, पानी सूखने तक हमने इसे पका लिया है, 10 से 15 मिनट का वक्त इस पर लगा है। देखिए, हमारी गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनी है। आप रोटी चावल जिसके साथ खाए उसके साथ इसे खा सकते हैं, जिसके साथ भी खाना चाहे, और मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मेरे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।